हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आशुटॉक्स। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्फोसिस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। तो गाइस इन्फोसिस ने फाइनल एग्जाम का जो मेल है सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल हो चुका है, तो उसी से रिलेटेड सभी बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप टाइटल देख ही सकते हो, इन्फोसिस एग्जाम शेड्यूल, इसका मतलब यह है कि आपका इन्फोसिस का जो फाइनल एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है। इन्फोसिस ने आपको ऑनलाइन टेस्ट लिंक, लॉगिन डिटेल्स सभी चीजें भेज चुके हैं सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए। गाइस पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात आ जाती है गाइस, हम जो इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाली है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन क्या होने वाला है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले, कौन से टॉपिक्स है जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले। साथ साथ आपको यहाँ देखने मिल जाता है डूज एंड डोंट्स इन एग्जाम। ओके, सो कौन से आपको डूज एंड डोंट्स देखने मिल जाते हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए एग्जाम के टाइम, कौन सी चीजें करनी चाहिए कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले। एंड अगर आप एग्जाम देने वाले हो इन्फोसिस की, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि सभी डिटेल में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले, किस तरह से आप एग्जाम सक्सेसफुली स्मूथली दे सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इन्फोसिस रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने मिल जाएंगी। तो गाइस जैसे कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो डाला था इन्फोसिस एग्जाम डेट। तो गाइस इन्फोसिस की तरफ से मेल आ गया था कि आपकी एग्जाम 21 को होने वाली है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में बताई थी। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इंटरव्यू के लिए, प्रिपेयर कैसे करना है एग्जाम के लिए, और गाइस रोल के बारे में जो आपको मेल सेंड किया था उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने। तो ये वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो और भी आपको अपडेट्स देखने मिल जाते हैं हमारे चैनल पे, रिसेंट वीडियोज है वो आप जाकर देख सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाले। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहली चीज, जैसे कि आप यहां देख सकते हो इन्फोसिस की तरफ से कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जाता है, योर इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट लिंक एंड लॉग इन डिटेल्स फॉर सिस्टम इंजीनियर रोल। तो गाइस सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए लॉग इन डिटेल्स एंड टेस्ट लिंक भेजी जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल हो चुका है। यहाँ पे आपको डेट देखने मिल जाता है, डेट एंड टाइम 21 नवंबर, यानी कि कल संडे आ रहा है, संडे की डेट है, 10 AM का यहाँ पे आपको टाइम देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको लिंक दी गई है, आपको यहाँ देखने मिल जाता है, यहाँ पर आपको योर यूजर आईडी फॉर टेकिंग द टेस्ट इज द सेम ईमेल एड्रेस ऑन विच यू हैव रिसीव दिस मेल। तो आपका जो मेल आईडी है जिसपे आपको ये मेल रिसीव हुआ है वही आपको यूजर आईडी यूज करनी है। यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वन टाइम पासवर्ड दिया गया है वो आपको चेंज कर लेना है। ओके, और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप एसेस नहीं कर पाओगे टेस्ट को, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है, आपको जो है पासवर्ड ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न देखने मिल जाता है। सबसे पहली चीज आती है रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सुडो कोड, पजल सॉल्विंग। ओके, सो इस तरह से 5 सेक्शन देखने मिल जाते हैं जहां पे आपको 100 मिनट्स का टेस्ट ड्यूरेशन देखने मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको मेल देखने मिल जाता है। एंड गाइस प्रीवियसली गाइस इन्फोसिस ने ये मेल भेजा था कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जाता था। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल टेस्ट पेपर दिए गए थे, तो मेरा रिकमेंडेशन आप सभी के लिए ये है कि आपको जो सैंपल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए गए थे वो आप जाकर चेकआउट कर लीजिए, वहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ये आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले वहां पर ये चीज मेंशन की गई थी। ओके, मेंशन की थी, तो ये चीज आप जाकर देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की बात कर लीजिए गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट देखने मिल जाती है इन्फोसिस एग्जाम के लिए। तो आपका जो लैपटॉप प्रोसेसर है i3 कोर प्रोसेसर होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, i5 हो तो बहुत अच्छी बात है, i5 i7 आपका एग्जाम स्मूथली जाएगा। मिनिमम 4 GB ऑफ रैम यूज होनी, 4 GB ऑफ रैम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको वेबकैम टेस्ट करने की एक लिंक देखने मिल जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका वेबकैम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका वेबकैम वर्क नहीं करता है तो आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। साथ साथ आपका गूगल क्रोम ब्राउजर जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी कोई और जो दूसरे ब्राउजर्स होते हैं जैसे मोजरेला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, वो सभी ब्राउजर नहीं यूज कर सकते आप, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है। एंड यहाँ पे आपका स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जहां पर आपको हाई स्पीड मिलनी चाहिए, 2 Mbps डाउनलोड एंड 1 Mbps अपलोड स्पीड। गाइस तो अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास वाईफाई नहीं है, तो आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। तो गाइस बीच में आपका लैपटॉप या पीसी बंद नहीं होना चाहिए, पावर सप्लाई लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप से भी एग्जाम दे रहे हो एंड आपकी फुल चार्जिंग भी है तो भी मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपको चार्जर जो है वो लगाकर रखना है, क्योंकि एग्जाम 100 मिनट्स की होने वाली है और आप
फुल ब्राइटनेस पे आपकी एग्जाम होने वाली है, आपका इंटरनेट भी यूज होने वाला है, आपका वेबकैम भी यूज होने वाला है, माइक्रोफोन भी यूज होने वाला है, तो ये ज्यादा चार्जिंग कंज्यूम करते हैं लैपटॉप एंड पीसी, तो आपको चार्जिंग पर लगाकर एग्जाम देना है अगर पॉसिबल हो तो ये कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स दी गई है, बिहेवियर गाइडलाइंस दी गई है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। ओके, उससे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, सूडो कोड एंड पजल सॉल्विंग, इस तरह पे यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है कितने कितने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए पर्टिकुलर सेक्शन को एंड कितना टाइम प्रोवाइड किया गया, ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 54 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन जो है वो मार्क करके आना है, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर देकर आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हो सेक्शन स्विचिंग, तो आप सेक्शन को स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप रीजनिंग एबिलिटी पे हो तो रीजनिंग एबिलिटी ही आपको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल एबिलिटी पर आप नहीं जा सकते जब तक आप रीजनिंग एबिलिटी पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते। एंड अगर आप सेकंड सेक्शन पे जा चुके हो तो आप प्रीवियस सेक्शन पे फिर से नहीं जा सकते, एडिप्टिव भी नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है गाइस, एंड सेक्शन सेक्शन भी आप स्विच नहीं कर सकते। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यही सेक्शंस के बारे में आपको देखने मिल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैथमेटिकल एबिलिटी में आपको कौन से टॉपिक्स आने वाले, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया शेप्स, पेरीमीटर, ओके, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, डिविजिबिलिटी, नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, एचसीएमएल, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, परसेंटेज हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इससे तीन से चार क्वेश्चन आपको आ सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से है गाइस। तो यहाँ पे आपको मिनिमम एक से दो क्वेश्चन तो आने ही वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे तीन क्वेश्चन तक के आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉजिकल सेक्शन आ जाता है, जहां पर आपको अरेंजमेंट्स, पजल, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्रिप्टोमैटिक, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाटा सफिशियंसी, मोस्ट लॉजिकल चॉइस एंड लॉजिक डिटेक्शन देखने मिल जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, क्रिप्टोमैटिक के आपको दो क्वेश्चन आएगा, सिलोगिज्म के भी दो क्वेश्चन आने ही है पक्के से पक्के, और यहाँ पे आपको और भी जो टॉपिक्स देखने मिल जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम एक तो सभी टॉपिक से आने वाला है। अब आगे भी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस के बारे में और भी डिफरेंट सिलेबस के बारे में, उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी अपडेट के बारे में बता देता हूँ जो कि आ जाती है रीलेवल प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रीलेवल एक जॉब का प्लेटफॉर्म है जो कि अनअकैडमी की तरफ से हम सभी को प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो ओनली इन 15 डेज। यहाँ पर ड्रीम जॉब क्यों बोला गया है? ड्रीम जॉब इसलिए बोला गया है क्योंकि टॉप स्टार्टअप कंपनीज में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब के लिए विद अ गुड एंड हाई सैलरी पैकेज। अगर नॉर्मली आपको किसी कंपनी में 3 LPA, 4 LPA मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको हाई सैलरी पैकेज मिलता है, 6 LPA, 10 LPA, 15 LPA, 20 LPA, मैक्सिमम सैलरी पैकेज 40 LPA प्लस भी जा चुका है अभी तक। ओके, सो इसलिए यहाँ पे आपको ड्रीम जॉब बोला गया है क्योंकि यहाँ पे गुड सैलरी पैकेज मिलता है गाइस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 करोड़ प्लस वर्थ की जॉब जो है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है, बहुत सारी कंपनीज है जो कि हायर करती है। यहाँ पर आपको मंथली लीडर बोर्ड भी देखने मिल जाता है, जो भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए उन सभी के स्कोर्स एंड वो कौन से कंपनी में प्लेस्ड हुए वो भी आपको देखने मिल जाते हैं। अगर आप लीडर बोर्ड पर रैंक करते हो तो आपको मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच, मल्टीपल चीजें जीतने का मौका मिल जाता है। एंड तनिष्क सिंह जो कैंडिडेट है हमारे गाइस, उन्होंने 874 स्कोर किया था 1000 में से, एंड क्रेड में वो प्लेस हुए गाइस, जहां पर आपको उनको 40 LPA प्लस का पैकेज जो है वो लगा है। ओके, सो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप भी हाई सैलरी पैकेज गेन कर सकते हो अगर आप रीलेवल की टेस्ट देते हो तो गाइस। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप ये जो है रीलेवल प्लेटफॉर्म चेकआउट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली टेस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए एंड एग्जाम दीजिए। ओके, अब वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब इंग्लिश सिलेबस का। तो इंग्लिश सिलेबस जो है, वर्बल एबिलिटी जो टॉपिक आता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी आता है, एंड टाइम भी आपको इनफ मिल जाता है, रीडिंग कंप्रेहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस सिलेक्शन, ओके, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, पैरा जंबल्स, स्पॉटिंग एरर्स, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपको ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पजल सॉल्विंग आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 देखने मिल जाता है, एंड 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। तो इस तरह से पजल सॉल्विंग का सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है गाइस। तो आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अच्छे से जो एग्जाम जो है वो देनी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके,
सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये मेल आपको सेंड किया गया है एंड यहाँ पे हम गाइडलाइंस की बात कर रहे थे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब लोकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की बात कर लीजिए गाइज, तो यहाँ पर आप रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आप कोई भी सराउंडिंग साउंड नहीं होना चाहिए, आप एक साइलेंट इन्वायरमेंट में आपको बैठा रहना चाहिए एंड आपको नॉर्मल क्लोथ्स पहनने होंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्मल आप पहन सकते हो, टी शर्ट भी पहन सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नॉर्मल आपको अच्छे से क्लोथ्स पहनने होंगे। साथ साथ आप कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं होना चाहिए, टीवी चालू नहीं होना चाहिए, किसी की बात करने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आप अनडिस्टर्ब जगह में आपको बैठना है और जैसे कि आप मुझे क्लियरली देख सकते हो मेरे वेबकैम के थ्रू, आप मेरा मेरा जो मैं आपको विजिबल हूँ, इसी तरह से आप भी विजिबल होने चाहिए, आपका वेबकैम 100% वर्किंग होना चाहिए एंड जैसे कि मेरे फेस पे लाइट आ रहा है, मेरा फेस क्लियरली विजिबल है, इसी तरह से आपका फेस भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो प्रॉपर लाइट में आपको बैठना है गाइज एंड आपको अपर राइट बैठना है। ओके, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको सीधा स्क्रीन पर देखना है एंड आपको जो है वो सॉल्व करना है। ये इस तरह से कुछ बेसिक आपको रिक्वायरमेंट दी गई है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको चेक कर लेनी है, आपका वेबकैम माइक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें दी गई है। और आप देख सकते हो यू मस्ट ड्रेस एज थरो यू आर वेयरिंग इन अ पब्लिक सेटिंग, नॉर्मल आपको क्लॉथ्स पहनने हैं, हेडफोन्स ईयरफोन्स और अदर एक्सटर्नल इक्विपमेंट जो है ऑडियो के वो आपको यूज नहीं करना है। यू मस्ट नॉट कम्युनिकेट विथ एनी अदर पर्सन बाय एनी मीन्स, आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको फोन यूज नहीं करना है, चैटिंग नहीं करनी है। ओके, आपको सिंपली एग्जाम देना है, एग्जाम पे फोकस करना है। अगर आप ये फेल होते हो, अगर आप ये चीज इसमें से कोई भी जो है जो फॉलो नहीं करते हो गाइज, जो भी रूल्स दिए गए, तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे एग्जाम के लिए। तो यही था गाइज आज की वीडियो में, आई होप आपको सभी चीज समझ में आई हो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूँ कि कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम देनी है, क्या नहीं करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता चुका हूँ। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।